दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे शैतान के 11वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे फिल्म के टोटल इंडिया नेट ग्रॉस ओवर से सर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में 15 करोड़ 20 लाख का नेट कलेक्शन किया था, तो अपने पहले वीकेंड में 55 करोड़ का कलेक्शन किया था और अपने पहले हफ्ते में 81 करोड़ 7 लाख का कलेक्शन किया था। फिल्म ने अपने 8वें दिन में 5 करोड़ 3 लाख का, 9वें दिन में 8 करोड़ 70 लाख और अपने 10वें दिन मैंने संडे के दिन में लगभग 9 करोड़ 65 लाख का नेट कलेक्शन किया, जिससे इस फिल्म के 10 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 104 करोड़ 45 लाख हो चुका है, तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 124 करोड़ 60 लाख हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 28 करोड़ का कलेक्शन किया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 10 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 152 करोड़ 60 लाख हो चुका है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के 11वें दिन के कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने 11वें दिन में इंडिया में लगभग 4 करोड़ का नेट कलेक्शन करने वाली है। आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 55 करोड़ है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट साबित हो चुकी है। बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की, तो इस फिल्म को 7.7 रेटिंग मिले हैं। इस शुक्रवार को 3 नई फिल्में रिलीज हुई है, उसके बावजूद शैतान के कलेक्शन इन तीनों फिल्मों से ज्यादा आ रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस फिल्म का फाइनल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 300 करोड़ से ज्यादा का रहेगा या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।